दोस्तों आईपीएल 2022 के लिए सभी टीमों के रिलीज और रिटेन प्लेयर्स के ऊपर फाइनल अपडेट आ चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आईपीएल की 8 टीमों ने कौन कौन से बड़े प्लेयर्स को रिलीज किया है और साथ ही साथ सभी टीमों के रिटेन प्लेयर्स की फाइनल लिस्ट भी बताएंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आईपीएल से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन सभी टीमों के रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की फाइनल लिस्ट बता देते हैं। तो उससे पहले हम आपको बता दें कि आईपीएल की सभी टीमों को मैक्सिमम 4 प्लेयर्स को ही रिटेन करना पड़ेगा। तो इस लिस्ट में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स के रिटेन प्लेयर्स के बारे में। तो इसमें पहला नाम है ऋषभ पंत का, उसके बाद पृथ्वी शॉ, अक्षर पटेल और नौरखिया को दिल्ली कैपिटल्स की टीम रिटेन किया है। वही इस टीम के रिलीज प्लेयर्स के बारे में बात करें तो रिलीज लिस्ट में जो बड़ा नाम है उसमें नाम आता है श्रेयस अय्यर का, उसके बाद रवि, अश्विन, शिखर धवन, रबाडा और स्मिथ को दिल्ली की टीम ने बाहर किया है और इन सभी प्लेयर्स के साथ और भी कई सारे स्टार प्लेयर को दिल्ली की टीम ने अपने स्क्वाड से रिलीज कर दिया है। इसके बाद इस लिस्ट की दूसरी बड़ी टीम है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम और इस टीम के रिटेन प्लेयर्स के बारे में बात करें तो इस टीम ने अपने कप्तान केन विलियमसन को रिटेन कर लिया है और अभी तक राशिद खान के ऊपर कन्फर्मेशन नहीं आई है क्योंकि राशिद खान को लखनऊ की टीम अप्रोच कर रही है। तो एसआरएच के रिटेन लिस्ट में जो फिक्स नाम है वो है केन विलियमसन का। और इस टीम के रिलीज प्लेयर्स के बारे में बात करें तो इसमें मुख्य नाम है डेविड वार्नर, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, मिचेल मार्स और मोहम्मद नबी का। और मोस्ट प्रोबेबली हैदराबाद की टीम राशिद खान को भी बाहर कर देगी क्योंकि राशिद खान अपने प्राइस मनी से खुश नहीं है। तो ये था हैदराबाद के रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट। इसके बाद इस लिस्ट की तीसरी बड़ी टीम है राजस्थान रॉयल्स की टीम और इस टीम के रिटेन प्लेयर्स के बारे में बात करें तो इस टीम के रिटेन लिस्ट में पहला नाम है जोस बटलर का, उसके बाद जोफ्रा आर्चर, संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल को राजस्थान की टीम ने अपने स्क्वाड में रिटेन किया है। और इस टीम के रिलीज प्लेयर्स के बारे में बात करें तो इसमें मुख्य नाम है बेन स्टोक्स का, इसके बाद मुस्ताफिजुर रहमान, डेविड मिलर और लियाम लिविंगस्टोन समेत कई सारे बड़े प्लेयर को राजस्थान की टीम ने अपने स्क्वाड से बाहर किया है। इसके बाद इस लिस्ट के चौथे टीम के बारे में बात करें तो ये है पंजाब किंग्स की टीम और इस टीम के रिटेन प्लेयर्स के बारे में बात करें तो सबसे हैरानी वाली बात ये है कि ये टीम केएल राहुल, मयंक अग्रवाल और मोहम्मद शमी जैसे स्टार प्लेयर्स को रिटेन नहीं करेगी क्योंकि ये सभी प्लेयर पंजाब की टीम को छोड़ करके मेगा ऑक्शन में जाना चाहते हैं। तो ऐसे में पंजाब की टीम अरशदीप सिंह, रवि बिश्नोई और शाहरुख खान जैसे प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है या फिर पंजाब की टीम बिना किसी प्लेयर को रिटेन किए ही मेगा ऑक्शन में जा सकती है। और पंजाब के रिलीज प्लेयर के बारे में बात करें तो इसमें नाम आता है केएल राहुल का, इसके बाद मयंक अग्रवाल, क्रिस गेल, निकोलस पूरन और डेविड मलान समेत कई सारे स्टार प्लेयर को पंजाब की टीम ने अपने स्क्वाड से बाहर कर दिया है। इसके बाद इस लिस्ट की पांचवी बड़ी टीम है पांच बार की चैंपियन और रोहित शर्मा की कप्तानी वाली यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम और इस टीम के रिटेन प्लेयर्स के बारे में बात करें तो इसमें पहला नाम है इस टीम के कप्तान रोहित शर्मा का, इसके बाद जसप्रीत बुमराह, कैरन पोलार्ड और ईशान किशन को मुंबई इंडियंस की टीम ने रिटेन किया है। और इस टीम के रिलीज प्लेयर्स के बारे में बात करें तो इसमें कई सारे स्टार प्लेयर्स का नाम शामिल है जिसमें मुख्य नामों के बारे में बात करें तो यहाँ पर नाम आता है सूर्य कुमार यादव का, इसके बाद ट्रेंट बोल्ट, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, क्विंटन डिकॉक समेत कई सारे बड़े बड़े प्लेयर्स को मुंबई की टीम ने अपने स्क्वाड से बाहर किया है और मुंबई के स्क्वाड से सबसे अधिक मात्रा में स्टार प्लेयर्स को रिलीज किया गया है। इसके बाद इस लिस्ट की छठवीं बड़ी टीम है आईपीएल इतिहास की सबसे मोस्ट पॉपुलर टीम यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम और इस टीम के रिटेन प्लेयर्स के बारे में बात करें तो इस टीम के रिटेंशन में पहला बड़ा नाम है इस टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली का, इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल और इसके बाद ये टीम मोस्ट प्रोबेबली मोहम्मद सिराज
राज्य और देवदत्त पड्डीकल या फिर हर्षल पटेल में से किसी एक प्लेयर को रिटेन करेगी। और ESPN क्रिकेट को ने बताया है कि RCB की टीम चहल को रिलीज कर सकती है। तो ऐसे में RCB की रिटेन प्लेयर्स में इन्हीं सब प्लेयर का नाम शामिल है। और रिलीज प्लेयर्स के बारे में बात करें तो इसमें कई सारे स्टार प्लेयर इंक्लूड है, जैसे कि काइल जेमिसन, एडम जंपा, वाशिंगटन सुंदर और डिविलियर्स तो संन्यास ले चुके हैं। तो ऐसे में डिविलियर्स भी RCB टीम का पार्ट नहीं बनेंगे। तो ये था RCB के रिलीज और रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट। इसके बाद इस लिस्ट की 7वीं टीम के बारे में बात करें तो ये है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। और इस टीम के रिटेन प्लेयर्स के बारे में बात करें तो इसमें पहला बड़ा नाम है विस्फोटक ऑलराउंडर आंद्रे रसेल का। इसके बाद शुभमन गिल, सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती को कोलकाता की टीम अपने स्क्वाड में रिटेन करेगी। और ज्यादातर चांस ये है कि कोलकाता की टीम गिल के स्थान पर वेंकटेश अय्यर को रिटेन कर ले। और कोलकाता के रिलीज प्लेयर्स के बारे में बात करें तो इसमें कुछ बड़ा नाम शामिल है, जिसमें नाम आता है इयान मोर्गन का। इसके बाद दिनेश कार्तिक, राहुल त्रिपाठी, शिवम मावी और पैट कमिंस समेत कई सारे स्टार प्लेयर को कोलकाता की टीम अपने स्क्वाड से बाहर करेगी। इसके बाद इस लिस्ट के आखिरी टीम के बारे में बात करें तो ये है डिफेंडिंग चैंपियन और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। और इस टीम के रिटेन प्लेयर्स के बारे में बात करें तो चेन्नई की टीम को रिटेंशन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ चुका है, क्योंकि ये टीम फाफ डू प्लेसिस, सैम करन और मोइन अली में काफी ज्यादा उलझ चुकी है। तो चेन्नई के फाइनल रिटेन प्लेयर्स के बारे में बात करें तो इसमें नाम आता है महेंद्र सिंह धोनी का। इसके बाद रविंद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड और मोइन अली को चेन्नई की टीम अपने स्क्वाड में रिटेन करेगी। और इस टीम के रिलीज प्लेयर्स के बारे में बात करें तो इसमें कुछ बड़ा नाम शामिल है, जैसे कि सुरेश रैना, सैम करन, फाफ डू प्लेसिस शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर समेत ड्वेन ब्रावो को लेकर के कई सारे स्टार प्लेयर को चेन्नई की टीम अपने स्क्वाड से बाहर कर देगी। तो यही था सभी टीमों के रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट, जहां पर इस वीडियो में मैंने आपको रिलीज प्लेयर्स में उन्हीं प्लेयर का नाम बताया है जो कि काफी बड़े नाम है। तो आपको क्या लगता है, आपकी फेवरेट टीम को कौन कौन से चार प्लेयर्स को रिटेन करना चाहिए, आप नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेगा ऑक्शन के डेट के बारे में बात करें तो जनवरी के फर्स्ट वीक में मेगा ऑक्शन कंडक्ट किया जाएगा, जहां पर सुबह 10 बजे से मेगा ऑक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि स्टार स्पोर्ट्स पर लाइव दिखाया जाएगा। तो यही था IPL 2022 के रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की फाइनल लिस्ट। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।